क्या गोकू गोहन और क्रिलिन को बचा पाएगा? गोकू वर्सेस वेजिटा। हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है ट्वीट पर। पिछले एपिसोड में जब वेजिटा देखता है कि नापा गोकू को हरा नहीं सकता है, तो वेजिटा खुद लड़ने के लिए सोचता है और नापा को पीछे हटने के लिए कहता है। नापा वेजिटा का ऑर्डर मान लेता है, लेकिन पीछे हटने से पहले नापा अचानक गोहन और क्रिलिन को खत्म करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। गोकू देखता है कि वह नापा को नहीं रोक पाएगा, तो गोकू कायोकेन बदल जाता है और अपनी बढ़ी हुई रफ्तार और ताकत से नापा को लड़ने में असमर्थ बना देता है। गोहन और क्रिलिन बच जाते हैं। जब नापा लड़ने में असमर्थ हो जाता है, तो नापा वेजिटा से मदद मांगता है, लेकिन वेजिटा अपना पावर बढ़ाकर उसे अपनी डिफेंसिव फोर्स उड़ा देता है। गोकू गोहन और क्रिलिन उसके पावर से हैरान होते हैं। वेजिटा ने अपने ही आदमी को उड़ा दिया। गोकू हैरान था। गोकू क्रिलिन और गोहन को कामयाब जाने के लिए कहता है, क्योंकि वेजिटा गोकू के सोच से कई गुना ज्यादा ताकतवर था। क्रिलिन समझ जाता है और वह गोहन को जाने के लिए मना लेता है। क्रिलिन जाने से पहले गोकू कहता है कि क्या तुम किसी दूसरी जगह जाकर फाइट करोगे, क्योंकि हमारे दोस्तों के बॉडी यहीं हैं और अगर वे जीवित हुए तो उनके बॉडी सही सलामत नहीं रहेंगे। गोकू कहता है, लेकिन ड्रैगन बॉल्स तो नहीं है, अब हम उन्हें कैसे जीवित करेंगे? क्रिलिन कहता है, गोकू मेरा एक प्लान है, उसके लिए तुम्हें उस सैयन को हराना होगा और जिंदा वापस लौटना होगा। गोकू कहता है, कोशिश करूंगा। वेजिटा बीच में ही कहता है, क्या हुआ और कितना रुकना है? तुम्हारा वो जोश कहां गया जो नापा से लड़ते वक्त था? क्रिलिन गोकू कहता है, हमें माफ कर देना, हमने सब कुछ तुम्हारे हाथों में छोड़ दिया। मेरे दोस्त, मरने के बारे में सोचना भी मत। गोकू गोहन से कहता है, क्या कहते हो गोहन, ये सब खत्म हो जाए तो हम सब फिशिंग करने जाए? गोहन की आंखों में आंसू थे, वह हाँ कहता है। गोकू वेजिटा के सामने आता है, कहता है, चलो किसी दूसरी जगह फैसला करते हैं। वेजिटा कहता है, कहीं भी चलो, जीत तो मेरी ही होगी। और इस तरह गोकू और वेजिटा किसी दूसरी जगह चले जाते हैं जहां आसपास कोई जीव या जंतु ना हो। गोहन गोकू को जाते हुए देख रहा था। क्रिलिन गोहन से कहता है, हमें कामे हाउस चलना चाहिए गोहन, मुझे पूरा यकीन है गोकू उसे हरा देगा। गोहन दुखी था। गोहन फिर कहता है, ठीक है। दूसरी तरफ वेजिटा और गोकू एक जगह पर रुकते हैं। वेजिटा कहता है, पूरे प्लेनेट में यही जगह मिली अपना अंत के लिए? वेजिटा कहता है, खुद को खुशकिस्मत समझो जो तुम्हें मुझसे लड़ने का मौका मिल रहा है। हर छोटे मोटे योद्धा को मुझ जैसे महान योद्धा से लड़ने का मौका नहीं मिलता। सैयंस के पैदा होने के कुछ देर बाद उनके युद्ध कौशल का इम्तिहान होता है, और जो बेकार योद्धा होते हैं, जिनका रैंक सबसे नीचे होता है, उन्हें बाहरी प्लेनेट पर भेजा जाता है जहाँ के वासी कमजोर होते हैं। इसलिए तुम्हें यहाँ भेजा गया कैक्रोन, यानी साफ साफ कहूँ तो तुम कमजोर और बेकार हो। गोकू कहता है, हाँ, शायद इसी वजह से मैं पृथ्वी पर पहुँच पाया हूँ। मैं इसके लिए खुशकिस्मत हूँ। एक बात और, अगर एक छोटा मोटा योद्धा ठान ले तो वह एक महान योद्धा से आगे निकल सकता है। वेजिटा हंसता है और कहता है, अच्छा मजाक करते हो, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम कितना कमजोर हो और मेरे सामने कभी नहीं टिकोगे। दोनों वॉरियर लड़ने के पोजीशन में जाते हैं। समय देकर गोकू पहला अटैक करता है और इस तरह दोनों फाइट करने लगते हैं। धीरे धीरे वेजिटा गोकू पर कई अटैक कर देता है। गोकू सोचता है, जबरदस्त है, फाइट अभी शुरू ही हुई है और इसकी स्पीड और टेक्निक मुझसे कई बेहतर है। वेजिटा के कहने पर गोकू अपना पावर बढ़ाता है और कायोकेन बदल जाता है और लगातार वेजिटा को पीटने लगता है। वेजिटा गोकू से बचता है और कहता है, बस इतनी ही ताकत है? तुमसे मैं तो कुछ ज्यादा उम्मीद लगा रखा था। गोकू सोचता है, यह बहुत बेरहम है, लेकिन फिर भी मेरी मुसीबत इतनी बढ़ रही है, मैं उतना ही एक्साइटेड हो रहा हूँ। वेजिटा देखता है कि गोकू हंस रहा है, तो वेजिटा सोचता है, कहीं इसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया या इसे कोई उम्मीद नहीं दिख रही, और कहीं ऐसा तो नहीं इसके अंदर और ताकत है, लेकिन वह दिखा नहीं रहा है। वेजिटा कहता है, क्या हुआ, इतनी जल्दी थक गए? वेजिटा को लगता है गोकू अपना पावर छुपा रहा है, इसलिए वेजिटा अपना पावर बढ़ाने लगता है और अपनी अपार शक्ति का एक झलक दिखाने के लिए वेजिटा लगातार अपना पावर बढ़ाता जाता है। गोकू उसके पावर अप से हैरान था। वेजिटा के पावर अप से गोकू दूर धकेल जाता है। वेजिटा अपना पावर बढ़ाने के बाद वह लगातार गोकू को पीटने लगता है। उसके स्पीड के सामने गोकू कुछ नहीं कर पा रहा था और पीट रहा था। वेजिटा एक ब्लास्ट चला देता है। उस ब्लास्ट से बचने के लिए गोकू कायोकेन बदल जाता है, लेकिन फिर भी वह ब्लास्ट गोकू को छूते हुए पार होती है। गोकू के कायोकेन 2 times भी वेजिटा के सामने कोई मैच नहीं थी। वेजिटा कहता है, अच्छा बच्चे, लेकिन इसे मैंने ही आसान बनाया था, अगर तुम इतने आसानी से मर जाओगे तो मजा कैसे आएगा? गोकू जब देखता है कि कायोकेन 2 times के होने के बाद भी वह वेजिटा का कोई मैच नहीं था, तो गोकू कायोकेन की तिगनी शक्ति इस्तेमाल करने की सोचता है। इस फाइट को याजिरो भी दूर से ही डरते हुए देख रहा था। गोकू सोच रहा था कि कायोकेन की तिगनी शक्ति गोकू की बॉडी कितना देर बर्दाश्त कर पाएगी। वेजिटा कहता है, क्या सोच रहे हो, आगे बढ़ो कैक्रोन। गोकू सोचता है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, मुझे सारी हदें तोड़कर आगे बढ़ना होगा। वेजिटा हंसते हुए कहता है, क्या सोच रहे हो कैक्रोन, क्या तुम्हारे पास कोई भी दाव नहीं बचा है? और अगर बचा भी है तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं सारे सैयंस में सबसे ताकतवर और खतरनाक हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने इसके लिए सारी जिंदगी ट्रेनिंग की हो, तुम मेरे सामने एक निचले दर्जे के निकाले जा चुके योद्धा रहो। वेजिटा की बातें सुन याजिरो सोचता है, लगता है वह सैयन गोकू पर भारी पड़ेगा, इससे अच्छा मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। वैसे भी मेरा यहाँ रुकने से किसी को कोई फायदा नहीं होगा और मुझे भूख भी लगी है। गोकू अपनी शक्ति को स्टोर करते हुए कायोकेन की तिगनी शक्ति इस्तेमाल करने लगता है। किंग काई गोकू को रोकते हैं, लेकिन लगता था गोकू के पास कोई और तरीका नहीं था। किंग काई भी सोचते हैं, लगता है यह जंग अब शायद खत्म हो चुकी है। गोकू अपना पावर बढ़ाने लगता है। वह स्कॉटर जिसे बुलमा ने सही किया था, उसमें गोकू की रीडिंग से वह हैरान थी, वह लगातार बढ़ती जा रही थी, सभी हैरान थे। अचानक वह स्कॉटर ओवरलोड होकर टूट जाती है। गोहन और क्रिलिन को वह बढ़ती हुई एनर्जी का आभास होता है और गोहन रुक जाता है। गोहन हैरान था। वेजिटा गोकू के पावर अप से हैरान था। गोकू कायोकेन की तिगनी शक्ति बदलकर वेजिटा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और इस तरह यह एपिसोड खत्म होता है। क्या गोकू कायोकेन की तिगनी शक्ति से वेजिटा जैसे लाइट वर्जर को रोकने में कामयाब होगा? देखते रहिए ड्रैगन बॉल जी काई का अगला एपिसोड।